फ्रायबिलिटी क्या होती है और फ्रायबिलिटी कैसे की जाती है, फ्रायबिलिटी किसे कहते हैं, फ्रायबिलिटी क्यों करते हैं और फ्रायबिलिटी करने का फॉर्मूला क्या है, वो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि फ्रायबिलिटी पूरी कैसे की जाती है और फ्रायबिलिटी कैसे होती है, क्या होती है और कौन कौन से उसमें इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रायबिलिटी की। तो फ्रायबिलिटी करने के लिए पहले हमें पूरा ग्रॉस वेट लेना होता है, यानी वेट वन, जो हम पहले टेबलेट का वेट लेते हैं कंप्रेस निकलने के बाद। आप उसका वेट करते हैं, वेट करने से पहले आप टेबलेट को अच्छे से झाड़ लीजिएगा। टेबलेट को झाड़ने के बाद आप टेबलेट का वेट करें, जो वेट है वो अपने पास नोट कर लें। उसके बाद फ्रायबिलिटी टेस्टर के अंदर उसको आप डाल दें और उसको फ्रायबिलिटी टेस्टर जो है वो उसके 100 रिवोल्यूशन होते हैं 4 मिनट के अंदर, यानी 4 मिनट में 25 रिवोल्यूशन पर मिनट स्टैंडर्ड रिवोल्यूशन है। और फ्रायबिलिटी करने का तरीका भी स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड वाइज एक ही तरीका यूज़ होता है। 4 मिनट के लिए हम फ्रायबिलिटी टेस्टर के अंदर उसको घुमाते हैं और 100 रिवोल्यूशन वो 4 मिनट में लगाता है। तो रिवोल्यूशन देने के बाद आप टेबलेट को बाहर निकालें, टेबलेट के कोने वगैरह चेक करें, उसके एजेस वगैरह चेक करें, कहीं टेबलेट में कोई क्रैक या एजेस वगैरह तो नहीं आ रहे। उसके बाद आप दोबारा उसका वेट करें टेबलेट का, फ्रायबिलिटी में घुमाने के बाद। फिर जो आपके पास वेट आए उस वेट को आप पहले वाले वेट से माइनस करें और फार्मूला जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो बाद वाला वेट है उसको मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय पहले वाले वेट के साथ, यानी वेट वन और वेट टू। सो वेट वन के साथ आप उसको डिवाइड करें, जो आपके पास परसेंटेज आएगी वो फ्रायबिलिटी की है। और याद रहे फ्रायबिलिटी स्टैंडर्ड है, 1% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ्रायबिलिटी 1% या 1% से ज़्यादा आ रही है तो आपकी फ्रायबिलिटी फेल है। फिर आप अपनी टेबलेट की थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ा दें या कोई बाइंडर का इशू है तो वो देख लें इस तरह, यानी वो अलग एक टॉपिक हो जाएगा, टेबलेट इशू में आ जाएगा। सो आप इस तरह उसको वेट देख सकते हैं, कर सकते हैं। आप देखें पूरे ये मैंने वेट वन से लेके वेट टू तक और उसकी पूरी कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखाई हुई है, आप इसमें भी देख सकते हैं। पहले मैंने टेबलेट का वेट किया है, फिर फ्रायबिलिटी टेस्टर के अंदर उसको घुमाया है 4 मिनट के लिए, उसके बाद वेट टू किया है और फाइनल उसकी फ्रायबिलिटी 0.23 आई है हमारे पास।